जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ समग्र शिक्षा अभियान भर्ती 2019 के बारे में, जो कि वेरियस पदों के लिए निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। जॉब टाइप स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों ये भर्ती तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब नेम यानी कि किन पदों के लिए भर्ती जारी की गई है, तो MIS कोऑर्डिनेटर, DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, IERP सिस्टम एनालिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए भर्ती निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज के अंदर 704 है। जॉब लोकेशन तेलंगाना, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग तेलंगाना के अंदर होगी, पर इसमें अदर स्टेट के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अब चाहे आप भारत की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें आवेदन कर पाओगे। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 20 नवंबर 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 23 नवंबर 2019 है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको 3 से 4 दिन का समय ही मिलेगा ये फॉर्म को भरने का, तो आपको जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है अगर आप इसमें एलिजिबल पाए जाते हो। ऑफिशियल वेबसाइट समग्र शिक्षा .telangana.gov.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब मैं आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। MIS कोऑर्डिनेटर के लिए 144 पद है, सिस्टम एनालिस्ट के लिए 12 पद है, असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 27 पद है, जो आपकी IERP की पोस्ट है इसके लिए 383 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 138 पद है, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 704 पद। अब दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो इसमें आवेदन करने के लिए आपसे डिग्री, डिप्लोमा, BSc, BCom, MCom, MCA, BTech की योग्यता मांगी है। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि एग्जैक्टली किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आवेदन करने के लिए, तो उसके लिए भी आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये जानकारी पोस्ट वाइज देने वाला हूँ। एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों आपकी 34 साल, एज लिमिट शुड बी 34 ईयर्स। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि CBRT के द्वारा किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, यह फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जो रखी गई है वो ₹600 है, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ ले चलता हूँ। यहाँ पर आप अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि इसमें जो फॉर्म फिलअप की स्टार्ट डेट थी वो 18 नवंबर थी, पर यह बढ़ा करके 20 नवंबर कर दी गई है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे और यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे, जो कि आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा, लेवल विल बी इनेबल फ्रॉम 20/11/2019, यानी कि जो आप देख पा रहे हो ये इसी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, और इन्होंने बताया कि जो आपका लिंक है वो इनेबल होगा 20 नवंबर 2019 को। अब यहाँ से मैं आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बताता हूँ कि कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आप सेंटर ऑफ एग्जामेशन के बारे में देख लीजिए, इसके अलावा कैसे आपको आवेदन करना है उसका प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि ₹600 रखी गई है, और ये फ़ीस आपके नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर भर्ती किसी कारणवश रद्द होती है तो आपको आपकी फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। और दोस्तों पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की जो मैंने बात की थी वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। MIS कोऑर्डिनेटर के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो BSc इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एनी डिग्री एंड DCA विद MS ऑफिस, यानी कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएट योग्यता साथ ही DSA MS ऑफिस के साथ होना चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे ये क्वालिफिकेशन मांगी है। असिस्टेंट प्रोग्रामर पर आपसे आवेदन करने के लिए ये क्वालिफिकेशन मांगी है। और इंक्लूसिव एजुकेशन रिसोर्स पर्सन यानी के IERPS के लिए आपसे इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और डिग्री विद BED, ये आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा वो क्या रहेगा, तो दोस्तों आपका मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश रहेगा, यानी कि जो आपका एग्जाम पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। इसलिए इसको सभी स्टेट के लोग आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं रखी है, बल्कि इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रखी है, जो कि सभी को आनी चाहिए और सभी को आती भी है, इस वजह से इसमें सब लोग भाग ले पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो रिटर्न एग्जाम बताया है इन्होंने कि कब होगा, तो ये आपका 2nd week of December, यानी कि दिसंबर के 2nd week के अंदर आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। आपको ये डेट आपको एडमिट कार्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका
फर्स्ट वीक के अंदर आ सकता है दिसंबर के। तो दोस्तों ये थी आपकी SSC भर्ती 2019 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।